हाय फ्रेंड्स, तुम्हें ग्राफोलॉजी और ऑकल्ट साइंस इंडस्ट्री में लास्ट 13 साल से, पिछले 13 साल से और लास्ट के 4-5 साल में ये इंडस्ट्री में जितना बदलाव आया है, जितना इंडस्ट्री बदल चुका है वो पहले नहीं था। तो आज की डेट पे जो भी इंसान ग्राफोलॉजी का बिजनेस या फिर एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या बाकी जो भी ऑकल्ट साइंस है, इनका जो बिजनेस है वो अगर ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट्स बेस बने और वो स्टूडेंट्स को सिखाए, फिर वहाँ से रेफरल जनरेट हो, फिर वहाँ से बिजनेस आए, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव तरीका हो जाएगा। जैसे नोकिया बिजनेस से बाहर हुआ, उसी तरह से आप लोग भी बिजनेस से बाहर हो जाओगे अगर आप इसी तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करोगे। तो आज का समय है आपने जो एडवांस टूल और टेक्नोलॉजी से बिजनेस करने के लिए वो यूज़ करना मस्ट है। और सबसे वर्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ, जो कि एस्ट्रोलॉजर या वास्तुशास्त्र या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद मेरे को क्या वर्स्ट चीज़ देखने को मिली है, वो वर्स्ट चीज़ ये है कि अगर एक मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ तो वो न्यूमरोलॉजी बोलता है मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं पाल्मिस भी हूँ, मेरे को चेहरा पढ़ने को भी आता है, मेरे को ग्राफोलॉजी भी आता है। तो ये पूरा किराने की दुकान लेके बैठे, तो किराने की दुकान में तो कोई भी इंसान 100 रुपये से ज़्यादा तो खर्चा करने वाला है नहीं। तो सबसे जो वर्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ इन सब लोगों के बिजनेस में वो है देर इज़ नो निश, मतलब माइक्रो निश नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। खुद को उन्होंने किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बनाया ही नहीं और पूरी किराने की दुकान लेके बैठी, पूरी लॉन्ड्री लिस्ट उनके कार्ड पे देखो तो ये भी करते वो भी करते ये भी करते वो भी करते, 10-15 चीज़ें लिखी हुई थी। तो जो कस्टमर आता है उसको तो समझता ही नहीं कि इनके पास से मैंने क्या लेना चाहिए। तो ऐसे कई सारी क्लासिक मिस्टेक्स जो है ये लोग करते जा रहे उन्हीं सब चीज़ों के कारण अब इनका बिजनेस उतना ग्रो नहीं होना हो रहा है और इतना वो चार्ज भी नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट उनको जब ऐसा होता है, जब ये बिजनेस ना बड़े डेलिकेट तरह के बिजनेसेस है, मतलब अगर आपने इसमें से सही तरीके से पैसा नहीं कमाया है, अच्छा खासा पैसा नहीं कमाया, तो उस समय पर आपका पेशेंस कम हो जाता है। और जैसे आपका पेशेंस कम हो जाता है, आप किसी क्लाइंट को मदद करने के बजाय उससे पैसा ऐंठने के लिए बिजनेस करना चालू कर देते हो, क्योंकि आपके खुद के बिल्स भरने हैं, आपके खुद के घर के ईएमआई भरने हैं, गाड़ी के ईएमआई भरने हैं, आपके खुद के बच्चे की स्कूल की फी भरनी है, तो आप सोचते हो कि यार ये आ गया है तो इससे मैंने पूरा का पूरा पैसा ले लेना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका बिजनेस हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बिजनेस करने का जो स्टाइल है वो पुरातन है, जो आदिमानव के ज़माने का है, जो स्टोन एज का है। तो आपने नए तरीके से बिजनेस कैसा करना चाहिए, खुद का ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे आप अपने बिजनेस को एक अलग ऊंचाई पर लेके जा सकते हो, इसका प्रशिक्षण लेना, इसका शिक्षण लेना अनिवार्य है। और अगर आप ये करते हो उसी समय पर आप एक नीश क्रिएट कर पाओगे अपने खुद के बिजनेस में, अलग तरह का नीश जो आज के डेट में मिसिंग है। हमारा नीश जैसे साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर, तो आप देखो आपको साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हमारी जितना काम किया हुआ, हमारी जितना एक्सपीरियंस, हमारी जितना गारंटीड रिजल्ट देने वाला कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। तो ये होता है नीश। तो इस तरह का नीश आपने खुद के बिजनेस में भी ढूंढना है। आपको अगर मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप बिना नीश के अगर मार्केट में जाओगे पूरा लॉन्ड्री लिस्ट लेके तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप उन सभी लोगों के लिए जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस में, आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और बाकी सब चीज़ें, तो डिफाइन योर निश एंड डू अ ग्रेट बिजनेस। और अगर चाहते हो कि मेरे से जुड़ना, मेरे से मदद चाहते हो, तो नीचे इंटरेस्टेड करके कमेंट भेजो, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। लेट्स हैव द डिस्कशन अबाउट योर बिजनेस एंड हाउ टू क्रिएट योर निश एंड हाउ टू ग्रो मोर इन योर बिजनेस। ओके, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी।